राजस्थान में चुनाव परिणामों से पूर्व कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों और विधायकों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट को जल्द कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पेश किया जाएगा। कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव विवेक बंसल के मुताबिक जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उम्मीद है पार्टी अच्छे परिणाम लाएगी। रिपोर्ट में भीतरघात से जुड़ी शिकायतों पर बंसल ने स्पष्ट कहा कि उन नेताओं पर पार्टी कार्रवाई करेगी जिन्होंने प्रत्याशी को सहयोग नहीं किया और नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। देखिए, हम लोग बहुत आशान्वित हैं चुनावों के परिणाम को लेकर, और उसके पीछे कारण है जो ख़ास तौर से मुख्य रूप से जिस तरीके से प्रचार किया हमारे विपक्षियों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जो उनकी विफलताएं थीं और जो इस अल्प समय में इस प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए थे जनकल्याण हेतु, और कार्यकर्ता जिस तरीके से एकजुट था, नेता एकजुट थे, नेता लोग एकजुट थे, वो इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है। और हम लोगों को मैं विश्वास जागृत करता है कि चुनाव परिणाम बहुत आशा के अनुरूप होंगे और विपक्ष मुँह की खाएगा। जो फीडबैक आ रहा है उसको लेके कोई कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, वो तो हमेशा बिल्कुल आदरणीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का भी बार बार पर निर्देश है कि जो लोग पार्टी में भीतरघात करते हैं या पार्टी के प्रत्याशी को सहयोग नहीं करते हैं, उनके खिलाफ़ दंडात्मक और अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए।